कल कूटे प्रथमेश ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग पराग नेटवर्क यहाँ लगा तुझा घर आता ओके गौरव गुड़ है गौरव नहीं गौरव नहीं सौरव सौरव गुड़ है लेक्चर का ऑफलाइन बगा लग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो अरे आज खूप जणांनी आन्सर पाठवले मुलं शहाणी झाले काय चला आन्सर्स बघू आपण फर्स्ट क्वेश्चन किती फ्रॉरमॅशन ऑफ एम्प्लिट्यूड फाईव्ह स्पीड थर्टी वन पॉइंट फोर देवेंसीवल टू थर्टी वन पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय फाइव ठीक है ओमेगा इज टू पाई एन इज इक्वल टू थर्टीट फोर डिड बाई फाइव सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थर्टी वन पॉइंट फोर

ठीक आहे तुम्ही तुम्हाला येतात का बघा मी आन्सर सांगायच्या अगोदर मी काय आन्सर सांगत नाही फक्त माझं मी सॉल्व करालो तुमचे चेक करतो कोणाकोणाचे करेक्ट आलेत तोपर्यंत कोणी सॉल्व्ह केले नसेल तर सॉल्व्ह करा तुम्हाला ले यायलेत का चेक करा थोडे ठीक आहे टाइम पिरियड इज चलो करेक्ट है रागिनी करेक्ट है देन निखिल निखिल करेक्ट है, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट चला यायलेत मुलांना आन्सर यायलेत करेक्ट है, कोण साक्षी करेक्ट है, वैष्णवी करेक्ट ओम छान श्रेष करेक्ट है, अर 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 किधर गया करेक्ट है। आकांक्षा करेक्ट समृद्धी करेक्ट करेक्ट आहे चला यायला मला आन्सर यायला चांगली गोष्ट आहे वन एकच फोटो पाठवा जाय प्रत्येक क्वेश्चनचा जा दोन वेगवेगळे फोटो पाठवाला दोन चलो वैष्णव घुगे बरोबर आहे देन ये नाव चाल नाइन 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 थ्री टू टू नाइन थ्री टू टू करेक्ट है शारदा चलो करेक्ट है कुटे नंबर टू करेक्ट है फाइन नहीं फाइन टाइम पीरियड है सेकंड क्वेश्चन देख फाइन में फाइन पहला क्वेश्चन करेक्ट है फरहीन फरहीन फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है सेकंड वापस चेक करो ओमेगा नहीं निकालना टाइम कितना लगेगा निकालना है सेकंड क्वेश्चन वापस चेक करो ये को अमित सेकंड क्वेश्चन चूक जाए अमित नहीं बरबर है बरबर है

प्रणव बर प्रणव आलाय का रे आजच्या लेक्चरला आजच्या लेक्चरला प्रणव आलाय का प्रणव इकडला जिंतूर रोड साईडचा चलो सत्यजित आला उठला लवकरच तू आहे का ती योग्य ठीक आहे ठीक आहे चलो ते नाव टाक ना तिथं कोपऱ्यामध्ये नाव टाक ना बरं पडते मला चेक तुमच्या सर्वांचे नंबर्स माझ्याकडे सेव्ह नाही नाव टाकून ठेवा ना कोपऱ्यामध्ये म्हणजे ते कुठ तरी याच्यात स्टेट कुठंतरी नाव असते मला नाव दिसालेत बाकी ज्यांचे चलो देखो तो सॉल्व करने का बी देखो सॉल्व करने का तो क्वेश्चन नंबर वन क्या था चला चला बघा रे तो क्वेश्चन नंबर वन क्या था ब भरपूर लोकांना अँसर्स आले त्याचा अर्थ तुम्ही सॉल्व्ह करायला घरी चांगली गोष्ट आहे ओके घरी जर सॉल्व्ह करत असाल तर हळूहळू इम्प्रुव्हमेंट होत राहणार डेली सॉल्व्हिंग करत असाल तर हळूहळू इम्प्रुव्हमेंट होत राहणार ओके खूप साऱ्यांचे ऍन्सर्स करेक्ट आहेत त्याच्या अर्थ असा वाटते मला की तुम्ही सॉल्व्ह करायला घरी चांगली गोष्ट आहे ओके गुड असंच सॉल्व्ह करत राहा बर आणखीन रिव्हिजनला चॅप्टर कोणता ठेवलाय या वीक रिव्हिजन रिव्हिजनसाठी चॅप्टर ठेवलाय ग्रॅव्हिटेशन साठी चॅप्टर कोणता ठेवला आपण ग्रॅव्हिटेशन मग ग्रॅव्हिटेशन पण रिवाइज करून घ्या संडे पर्यंत संडे पर्यंत काय करा हा चॅप्टर तर कराच याच जर सॉल्व्हिंग कराच प्लस काय करा ग्रॅव्हिटेशन संडे पर्यंत म्हणजे आज फ्रायडे आहे उद्या एकच दिवस राहिला ग्रॅव्हिटेशन पण रिवाइज करा रिव्हिजन कशी करायची बघा रिव्हिजन कशी करायची ऐका मी काय बोलतोय देखो मी क्या बोल रहा हूं? एकदम फुल अटेंशन सुनो रिवीजन कैसा करना है यही पता नहीं है कुछ स्टूडेंट्स को अभी एक साल हो गया प्रिपरेशन करते करते लेकिन रिवीजन, फिजिक्स का कैसा करना है पता नहीं तो कैसा करने का है है कैसा करना तो तो एक तो उसका थे रीड करना है देखो मैं क्या बोल रहा हूँ रिविजन कैसे करना है किसी भी फिजिक्स के चैप्टर का रिविजन कैसा करना है ऐसा ही करना है तो एक तो थेरी करना है और दूसरा काम करना है न्यूमरिकल्स एक तो थेरी करना है और दूसरा काम क्या करना है न्यूमरिकल दोनों नहीं किया तो रिवीजन नहीं हुआ दोनों ही करना पड़ेगा तभी रिवीजन हुआ ऐसा हम लोग बोल सकते हैं तो थेरी किधर से पढ़ने का तो थेरी के लिए एनसीआरडी नहीं पढ़ने का कुछ नहीं पढ़ने का जितना मैंने नोटबुक में लिख के दिया है उतना पढ़ा तो भी अच्छा है काफी है जितना ग्रेविटेशन मैंने नोटबुक में लिख के दिया है उतना अगर रीड किया तो भी काफी है अगर तुम लोगों को लग रहा है एक्स्ट्रा कुछ तो रीड करने का तो फिर एररलेस रीड करो तुम लोगों को लग रहा है कुछ तो एक्स्ट्रा रीड करने का तो एररलेस का थेरी रीड करो या फिर डीसी पांडे का रीड करो दोनों का भी थेरी अच्छा है जो आउट ऑफ सिलेबस है मत रीड करो सिलेबस क्या है तुम लोगों को नेट पे मिलता है उसका कॉपी रहता है तो जो एररलेस में है या फिर जो डीसी पांडे में है उतना थेरी करो बुक नहीं पढ़ना तो भी चलता है ओनली जितना मैंने लिख के दिया है क्लासरूम में उतना ही सफिशियंट है ठीक है चलो तो थेरी के लिए क्लियर क्या क्या करने का है और न्यूमरिकल्स क्या हाँ और थेरी के लिए दस चीजें मत यूज करो थेरी के लिए तुम लोग अलग अलग बुक्स मत यूज करो दो तीन बुक्स यूज करने का थेरी का डीसी भी पढ़ने का एररलेस भी रीड करने का एनसआईडी भी पढ़ने का और किसी क्लास का आयलन का इधर का उधर का किधर का नोट्स पढ़ने का तो पढ़ने में इतना टाइम जाएगा कि प्रैक्टिस नहीं होगा मार्क्स कुछ भी नहीं आएगा ठीक है लॉज न्यूटन ने फाइंड आउट किया है लॉज न्यूटन ने फाइंड आउट किया है ना मैंने फाइंड आउट किया है ना किसी दूसरे आदमी ने फाइंड आउट किया है तो अलग अलग बुक्स में रीड करने के बाद नया कुछ नहीं मिलेगा तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम लोग फिर मेरा नोट्स पढ़ोगे फिर एररलेस पढ़ोगे उसमें अलग अलग कुछ नहीं मिलेगा थेरी के लिए सिंगल सोर्स यूज करो मैं क्या बोल रहा हूँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ रिपीट रिपीट बोल रहा हूँ थियोरी के लिए ओनली सिंगल सोर्स रीड करो दो तीन सोर्सेस यूज करोगे थियोरी के लिए अगर दो तीन सोर्सेस यूज करोगे तो मोर कंफ्यूजन होगा कुछ फायदा नहीं होगा इस क्लास का भी पढ़ता हूं इसका भी पढ़ता हूं या एलिन का भी पढ़ता हूँ या आकाश का भी पढ़ता हूं इनसाइड भी पढ़ता हूं कुछ नहीं होगा मोर तो कंफ्यूजन होगा कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा तो मैं क्या बोल रहा हूं मी काय बोलावलो फक्त सिंगल सोर्स ऑफ थेरी एररलेस और डिसिपांडे सिंगल सोर्स ऑफ थेरी एररलेस और डिसिपांडे कळतंय बर आणि तुम्हाला जर वाटत असलं ह्याचं प्रूफ काय एकच बुक केल्यावर थेरीसाठी काय फायदा होते का का फक्त क्लासरूम मधल्या नोट्स केला तर फायदा होते का तर लास्ट इयरचा रिझल्ट तुम्हाला माहिती आहे रिपीट चा कसा आलाय फक्त इलेवन स्टुडंट होते पाच स्टुडंट सिलेक्ट झाले तर इलेवन स्टुडंट होते फक्त तुम्हाला ऑलरेडी लास्ट इयरचा रिझल्ट माहित आहे किती स्टुडंट होते फक्त इलेव्हन स्टुडंट्स होते रिपीट करणार आहे त्यातले पाच स्टुडंट्स काय पाच स्टुडंट्सला एमबीबीएसला ऍडमिशन भेटले वन फोर्टीला एक आहे आणि एक वन ट्वेंटी नाईनला आहे एक स्टुडंटला वन फोर्टी आलेत एका स्टुडंटला वन ट्वेंटी ट्वेंटी नाईन आलेत आणि प्रत्येकाचे जुन्या नीट मधले पण मार्क्स लिहिलेत प्रत्येकाचे जुन्या नीट मधले पण मार्क्स लिहिलेत मी फोर्टी सेव्हनच्या मुलाला वन कोणते याला कोण दे मस्के निखिलला फोर्टी सेव्हन होते त्याला पडलेत किती वन ट्वेंटी नाईन आणि ज्या मुलाला नाईन्टी सेव्हन होते ओमप्रकाशला त्याला किती पडलेत वन फोर्टी मग मी काय बोलतोय मी सांगतोय तसं प्रिपरेशन करा एकदम मस्त मार्क्स येणार बाकी काही रीड करे टाइमपास करत बसू नका नंबर एक प्रूफ नंबर टू प्रूफ काय या ऑगस्टला भेटते नंबर सेकंड प्रूफ काय या ऑगस्टला भेटते या वर्षीचा तर रिझल्ट आणखीन सुपर येणार आहे या वर्षीचे रिपीटचे मुलं एकदम रिपीटचे आणि फ्रेशचे मुलं फ्रेश मध्ये एक दोनच आहेत चांगले अभ्यास करणारे आणि रिपीट मध्ये भरपूर आहेत चांगले अभ्यास करणारे तर या वर्षीचा आपण रिझल्ट बघा या वर्षीचा पण रिझल्ट एकदम सुपर येणार मग मी सांगतो तसं प्रिपरेशन करा मी सांगतो तिथ तसं प्रिपरेशन करा एक्स्ट्रा बुक्स यूज करू नका जास्त बुक्स यूज केला तर मोर कन्फ्युजन होणार मग थेरीसाठी काय थेरीसाठी ओनली सिंगल बुक थेरी का यूज करना ओनली सिंगल बुक कहते नोट्स तीन पैकी एक बस तीन पैकी एक था बस ठीक है चलो एक्स्ट्रा वाटल क्लास नोट्स एक्स्ट्रा काररलेस वीसिपांडे ठीक है चलो न्यूमरिकल्स रिविजन करता न्यूमरिकल्स कि सॉल्व करना चलो बा रिविजन करना न्यूमरिकल्स किल्स फिफ्टी सोल्व के लिए बस जा रिविजन सा रिविजन करता रिविजन करता न्यूमरिकल्स सोल्व करना रिविजन थे होते नहीं फिजिक्स की फिजिक्स की थेरी रीड के लिए रिविजन बोलना नहीं अपन मैं थेरी तो रीड करा लगन जे जी पेहबीर पाठ करा लगन प्लस एक काम करा लगन प्लस एक काम करा लगन का न्यूमरिकल सॉल्व कराए न्यूमरिकल्स किए लगे न्यूमरिकल्स मिनिमम फिफ्टी सॉल्व करा, करा, करा प्रत्येक बीट मधले करा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी बिटवीन टू मासेस मैसेस टेन न्यूमरिकल्स करा कर देना सैटेलाइट से टेन न्यूमरिकल्स देन एनर्जी के टेन न्यूमरिकल्स हे प्रत्येक बीट से दह दा दह न्यूमरिकल्स कर दे न्यूमेरिकल को बुक ऑपर एरर भारती है विद्याभारती है सिंगेज है आणखीन काय खूप सारे बुक्स आहेत कुठले पण ऑपर डी सी पांडे आहे क्लिअर चलो हे क्लिअर करे बघा हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट हे क्लिअर क्लिअर ना ओके आणि मी सांगतोय जसा अभ्यास केलात की एकदम सुपर रिझल्ट भेटणार कधी ना लास्ट इयरचा पण रिझल्ट बघा क्लासचा कसा आहे एकच कस वर्ष झाला आणि यावर्षी पण आताच मी सांगलो एक्झाम कधी आहे ऑगस्टला आहे एक्झाम कधी आहे ऑगस्टला आहे आता आणखीन किती महिने राहिलेत आणखीन मे जून जुलै तीन मंथ्स राहिले थ्री मंथ्स मी अगोदरच सांगलो कसा रिझल्ट येणार एकदम सुपर येणार या वर्षी पण गेल्या वर्षीपेक्षा छान येणार मी सांगतोय तसं फॉलो करा एकदम मस्त मार्क्स येणार ओके चलो सॉल्व्हिंग झाले रे बोला पटपट -पट मला सॉल्व्हिंग कुठंपर्यंत झाले बोला किती किती बीट्स झाले तीन बीट संपले का तीन नाही चार सांगितले होते मी चार बीट संपले का सॉल्विंग बोला चार बीट संपले का सॉल्विंग छान साक्षी आणखीन कोण बोलतो बोलतो सत्यजित बोलतो ओम ओम तीन झाले वैष्णवी झाले रनेर दोन झाले रागिनी झाले गुड आकांक्षा झाले छान सुदर्शन झाले एक राहिला श्री झाले ओके गुड वैष्णवी दोन झाले कम्प्लीट करा वैष्णवी झाले निखिल दोन झाले श्रेयश किती छान बर तुम्ही सॉल्व केलाय त्याचाच फरक पडलाय तुम्ही सॉल्व्ह केलाय के के का आता खूप जणांनी सॉल्व केलंय ना तुम्ही सॉल्व्ह केलाय त्याचाच फरक पडलाय तुम्हाला आन्सर्स यायलेत क्वेश्चन सॉल्व्ह करता यायलेत कळते का मी टीच केलं तर एक पार्ट झाला तुम्ही सॉल्व्ह केला तर हे मग कम्प्लीट होते मग तुम्हाला सॉल्व्ह करता आज आज खूप जणांचे न्युमरिकल्स काय अँसर्स पण आलेत आणि बरोबर पण आलेत काय ते का आ, ओके चलो स्टार्ट करणे का ओके ज्यांचे राहिलेत कम्प्लीट करा प्रथमेश जोशी ज्यांचे दोन दोनच झालेत श्रेयस हे कोण आहे श्रेयस आहे ज्यांचे दोन दोन झालेत काय करा कम्प्लीट करा ठीक आहे चलो आगे जाने का आगे जाने का क्या ऑडियो नहीं कनेक्ट हो रहा क्या किसी का ऑडियो नहीं चलो चलो तो क्या करने का है तो नंबर वन न्यूमेरिकल क्या था देखो तो नंबर वन देखो ओके ओके श्री चलता है। अभी जीद क्या है ऑनलाइन मे थोडा ऑनलाइन मध्ये सत्यजित मनाला थोडं लक्ष लागत नाही बरोबर आहे पण ऑप्शन काय आहे बरोबर ना ओके माझं प्रिडिक्शन आहे की एक दहा पंधरा दिवसात आपल्याला करता येतील चालू पण अजून काही केसेस परभणीच्या डाऊन येतच नाही ओके एक्सपर्टच्या ओपिनियन नुसार यायला पाहिजे होते आतापर्यंत खाली पण आणखीन तर खाली येतच नाही गेल्या तीन दिवसात रिकवर्ड पेशंट झालेत जास्त जेवढे पेशंट सापडले त्याच्यापेक्षा रिकवर झालेत गेल्या पाच दिवसांपैकी तीन दिवस गेल्या पाच दिवसांपैकी तीन दिवस असं झालेत बरे झालेले पेशंट जास्त आहेत पण ते आता कंटिन्यू व्हायला पाहिजे होतं काल मला वाटलं काल पण तसाच ट्रेंड असेल काल काय तसा ट्रेंड नव्हता काल जरा वाढलेतच करू 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 बघूया बघूया ट्रेंड डाऊनवर्ड लागला थोडं पण आपल्याला ले गे लेक्चर्स घेता आले तर आपण फिजिकल चालू करू ठीक आहे चलो तोपर्यंत पण तुम्ही अभ्यास करा तोपर्यंत काय तो करा तोपर्यंत तुम्ही जरा थोडं स्ट्रेच करा स्वतःला कंट्रोल करा माइंडला हा तोपर्यंत तो थोडं जरा मी सांगतो तसा अभ्यास करा ओके चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आज का चलो देखो रे चलो सब लोग देखो अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था फर्स्ट क्वेश्चन था एम्प्लीट्यूड दिया था देखो फर्स्ट क्वेश्चन का एम्प्लीट्यूड दिया था एंड ए ओमेगा भी दिया है ए ओमेगा मतलब क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी दिया है एम्प्लीट्यूड इज आल्सो गिवन एंड ए ओमेगा इज आल्सो गिवन देन वी हैव टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी बट बिफोर फ्रीक्वेंसी वी नीड टू फाइंड आउट ओमेगा So, a omega divided by a, a omega divided by a becomes omega, a omega divided by a becomes omega. But this divided by this is the omega, omega beta. But we do not want omega, we want frequency. So, for omega, I can write 2 pi into n. My frequency is equal to this divided by 5 into 2 into 2 pi. Pi is how much? 3.14. 5 into 2 is 10. 31.4 divided.

फ्रॉम मेन पोजीशन इतना डिस्टेंस जाने कवर करने के लिए फ्रॉम मेन पोजीशन इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा तो ये है अपना ऐसा एसएचएम ये है मेन पोजीशन ये कितना डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड ये डिस्टेंस है 0.2 ठीक है ये है मेन पोजीशन मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है एम्पलीट्यूड है कितना एम्पलीट्यूड 0.2 आधा डिस्टेंस कितना है वो है 0.1 पूरा डिस्टेंस है जीरो पॉइंट टू आधा डिस्टेंस कितना है जीरो पॉइंट वन तो हाफ डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लगेगा ऐसा ही बोल रहा है ना इतना डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लगता है तो हाफ डिस्टेंस पूरे एम्पलीट्यूड का हाफ डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम लगता है तो ऑलरेडी अपना हुआ है वो टी बाय ट्वेल्व क्या हुआ है टी बाय ट्वेल्व आधा जाने के लिए पहला हाफ जाने के लिए टी बाय ट्व दूसरा हाफ जाने के लिए टी बाय सिक्स वापस आते वक्त टी बाय सिक्स और इधर से इधर आते वक्त टी बाय ट्वेल्व वापस टी बाय ट्वेल्व टी बाय सिक्स ठीक है तो टी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व था बस टी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व था डिविजन किया तो कितना आ रहा था आंसर टू सेकेंड मतलब इधर से ए बाई टू तक जाने के लिए जीरो पॉइंट वन तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है टू सेकेंड ठीक है ओके चलो आगे जाने का ऑडियो चालू है का जयसवाल ऑडियो चालू है का ऑडियो ये तो कहीं दिस जो ऑडियो दिस चलो कुछ ऑडियो नहीं चालू चाहे उसका चलो तो आज नया क्या लर्न करना है आज नया थियोरी क्या लर्न करना है नागुरु सर चालू नहीं बरबर है एक दो एक, मुला एक दो चालू नौ चलो तो आज क्या लर्न करना है लिखो एनर्जी ऑफ चला चला लिया एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एच एन चलो लिखो एनर्जी ऑफ एक साथ करेंगे ओके okay? करने गे क्या आहे तीन वेज आहे करायचे किती तीन प्रकार मी करणार तुम्ही बघणार बरोबर सांगितलं तुम्हाला क्लासरूम मध्ये हो तुम्हाला सांगितले मी फक्त करणार तुम्ही बघत बसणार पहिला प्रकार दुसरा प्रकार काय मी करणार नाही तुम्हाला करायला देणार सेकंड प्रकार आणि तिसरा प्रकार काय मिळून करणार मग आता हे काय करायचं एकत्र एक करायचंय मिळून एक एक साथ करेंगे हर, 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 हर एक स्टाइल में अलग अलग मजा आता है अभी क्या करने का एक साथ करेंगे चलो लिखो मेरे साथ करो अभी लिखो एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम ठीक है तो इधर पार्टिकल है एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसेचन ठीक है तो पार्टिकल इधर है चलो अरे देखो हेडिंग लिखा चलो देखो इधर तो पार्टिकल इधर है तो पार्टिकल जाएगा इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर अपना पार्टिकल का ऑसिलेशन चालू है पार्टिकल जाएगा इधर 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 पार्टिकल का ऑसिलेशन चालू है तो फर्स्ट मुझे क्या चाहिए फर्स्ट मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ठीक है फर्स्ट क्या चाहिए मुझे लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ठीक है शॉर्ट में इसको केड़ी बोला तो भी चलता है शॉर्ट में इसको क्या केड़ी बोला तो भी चलता है केड़ी मतलब काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल चलो नीचे लिखो केई ठीक है के ई बोला कायनेटिक एनर्जी, का एनर्जी, का तो एनर्जी का फॉर्म्यूला बोला आता तुम्हें बोलू शक नहीं फिकॉल कराए आठ बोला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म्यूला एकत्र करा कर बी जस लिखो त्या कायनेटिक एनर्जी का फॉर्म्यूला तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म्यूला अपना रेग्युलर का फॉर्म्यूला किधर भी जाओ कहां पर भी जाओ काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्म्यूला है क्या फॉर्म्यूला है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वेर हाफ एम वी स्क्वे एक ही फॉर्मूला चल अब चलो काइनेटिक एनर्जी एक ही फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क् करेक्ट है एक ही फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशन में वही रहता है काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर कहा किधर भी जाओ वही रहता है फॉर्मूला लेकिन पोटेंशियल का सेम नहीं रहता ना पोटेंशियल ग्रेविटेशन में अलग है ग्रेविटेशन बगित ना अपन ग्रेविटेशन में पोटेंशियल कितना था माइनस जीएमएम अपॉन आर तो ग्रेविटेशन में पोटेंशियल अलग है पोटेंशियल स्प्रिंग का है तो अलग है कितना बनता है हाफ के पोटेंशियल हर एक सिस्टम में अलग अलग रहता है लेकिन काइनेटिक किधर भी जाओ एक ही फॉर्मूला है हाफ एम स्क्वायर ठीक है चला हाफ सा हाफ मास मास वेलोसिटी बोला कित वेलोसिटी कितना है पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसका वेलोसिटी बोलो कितना है तो उसका वेलोसिटी क्या है ओमेगा रूट ए माइनस एक्स स्क् जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका वेलोसिटी वेलोसिटी एक्स पे डिपेंडेंट है ना तो वो वेलोसिटी का पुट अभी इधर प्लस माइनस लिखना है तो लिखो एनी वे स्क्वायर के बाद वो तो निकलने वाला है माइनस का स्क्वेर भी प्लस ही रहता है तो मैंने लिखा नहीं तो हाफ एम इंडो वेलॉसिटी स्क्वेयर चला बरबर करा सिंप्लीफाई करा लिंग कितना कितनी बगा सिंप्लीफाई करो इसको कंप्लीट करो तो कितना आता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट अगर पता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है फ्रॉम मीन पोजीशन

क्या मनाल तो समझ नहीं क्रिटिकल फेलॉसिटी फिर ग्रेविटेशन मेस इक नहीं क्रिटिकल फेलॉसिटी सैटेलाइट गोल फिरत होता बोला क्रिटिकल फेलॉस इकड़े क्रिटिकल नहीं हाँ एक्स ही डिस्प्लेसमेंट है एक्स ही डिस्प्लेसमेंट है तो जितना डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल जहां पे है उधर का एक्स पुट करो पार्टिकल बीच में है तो एक्स पुट करो जीरो पार्टिकल इधर है तो ए पुट करो पार्टिकल इधर है तो माइनस ए पुट करो पार्टिकल इतना है तो ए बाय टू पुट करा तो जहां पे पार्टिकल है वहां का एक्स पुट करो फिर वहां का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा का डाउट समझत नहीं है श्री काय कर तू लिहून ठेव डाउट मला कॉल करून विचारस तर विचार, विचार डाउट काय जरा समजणार नाही श्री तुझा मला ठीक है चलो तो नेक्स्ट लिखो पोटेंशियल एनर्जी चलो एक साथ करेंगे ये हो गया इसको बॉक्स करके लिखो काइनेटिक एनर्जी इसको क्या करो बॉक्स कर को लिखो बॉक्स करो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी चलो लिखो नेक्स्ट क्या है पोटेंशियल एनर्जी बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितना पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालने का अब ये मैं करता हूं बाद में तुम लोग करो ठीक है अभी ये पहले मैं करता हूं तुम लोग बाद में करो चलो पहले देखो फिर अभी इधर 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 तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा तो एक्चुअली क्या चल रहा था एक्चुअली इधर स्प्रिंग था और स्प्रिंग को इधर का एक पार्टिकल कनेक्टेड था ठीक है एक्चुअली जो जहां से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो कहां से चैप्टर स्टार्ट किया था तो इधर स्प्रिंग था और स्प्रिंग को पार्टिकल कनेक्टेड था और पार्टिकल फिर ऑसिलेट कर रहा था तो स्प्रिंग ला कनेक्टेड है पार्टिकल मग स्प्रिंग तरह पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसका पोटेंशियल एनर्जी अब स्प्रिंग का ही निकालना पड़ेगा क्योंकि पार्टिकल स्प्रिंग को कनेक्टेड है तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का कितना रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का रहता है अभी तुम लोगों को पता नहीं तो याद रखो ऑलरेडी हुआ है किधर है यह ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में अब जिन लोगों के चैप्टर हुआ नहीं है कोई टेंशन नहीं डायरेक्ट याद रखो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है ठीक है ग्रेविटेशन का पोटेंशियल एनर्जी अलग एम अगर छोटा हाइट है बड़ा हाइट है तो माइनस जीएमएम अपन आ या फिर आर प्लस एच तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन जैसा रहता है क्या नहीं पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग रहता है काइनेटिक्स पे एक ही फॉर्मूला पोटेंशियल नहीं रहता अलग अलग रहता है तो क्या फॉर्मूला पोटेंशियल का हाफ इंटू स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट इंटू एक्स का स्क्वायर ठीक है अब लफड़ा यह है तो स्प्रिंग के कॉन्स्टेंट को क्या पुट करने का अब स्प्रिंग का जो कॉन्स्टेंट के उसको क्या पुट करने का तो प्रणव घिव्या घू घ्यू प्रणव अपन लक्ष्य चलो तो के, के क्या है तो के क्या है के है स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट है अब स्प्रिंग कांस्टेंट और ओमेगा का कुछ तो रिलेशन था ये ओमेगा में फॉर्मूला है तो मुझे इसको भी ओमेगा में लिखना है इसी इस फॉर्मूले को भी मुझे ओमेगा में लिखना है तो ओमेगा एंड के का रिलेशन क्या है कुछ याद आ रहा है क्या देखो ओमेगा एंड के का रिलेशन कुछ याद आता है क्या देखो तो ओमेगा स्क्वायर क्या रहता है स्टार्ट में क्या था चैप्टर स्टार्ट जब हुआ था तब क्या था तो ओमेगा स्क्वायर क्या रहता है काल पर मी रिवाइज केला होता काल लेक्चर समता पण रिवाइज केला होता तो ओमेगा स्क्वायर क्या रहता है वो रहता है के बाय तो के कितना रहता है के रहता है एम ओमेगा स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन में के बायम को ओमेगा स्क्वायर पुट किया था याद आ रहा है ना तो के को क्या लिख सकता हूँ मैं m ओमेगा स्क्वायर गुड गुड तो के को मैं क्या पुट कर सकता हूँ m ओमेगा स्क्वायर तो पुट किया तो कितना हाफ का हाफ के कितना है m ओमेगा स्क्वायर तो मतलब इसके जैसा दिखता है तो सिमिलर सिमिलर दिखेगा तो थोड़ा कंपेरिजन करने के लिए थोड़ा आसान होता है तो हाफ का हाफ k कितना है m ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो दिस इज द फॉर्मूला पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो ये फॉर्मूला है पार्टिकल का काइनेटिक चाहिए तो ये फॉर्मूला है ठीक है पार्टिकल का पोटेंशियल चाहिए तो ये फॉर्मूला है काइनेटिक चाहिए तो ये फॉर्मूला है चला लिहन गया इकड़े पर लेक्चर मधु जाऊन पर जॉइन फरक पड़ पण इकडं नेटचा काय प्रॉब्लेम नाही मॉर्निंग मध्ये एकदम माझं नेट एकदम मस्त चालू आहे खूपच प्रॉब्लेम असला बघता येत नसलं तर मग नंतर बघ बक, रेकॉर्डेड बघा चलो कंप्लीट हुआ तो बोलो मुझे न्युमरिकल चालू करेंगे इसका vamos चलो हो गया ओके ओके सी आज कर दो मैं सीमा ते लेक्चर्स पढ़ो तो मैं आज पढ़ो तो माला एकदा परत मेसेज कर लेक्चर झाले की व्हाट्सएप पर परत एकदा मेसेज कर आज मैं पढ़ो तो लेक्चर चल, तो क्या है देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एम्प्लीट्यूड ऑफ पार्टिकल इज फोर सेंटीमीटर चलो लिखो एम्प्लीट्यूड इज फोर सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इज हाउ मच फोर सेंटीमीटर नेक्स्ट लिखो एट वॉट डिस्प्लेसमेंट एट वॉट डिस्प्लेसमेंट

एट वॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम mean पोजिशन एनर्जी इज हाफ kinetic एंड हाफ potential? ठीक है चलो तो देखो पहले answers बगा answer बगा बन्सर बस सॉल्व के नर रहा नर लिखन गया कंसनट्रेशन बोर्ड व चलो ओनली बोर्ड पे कंसंट्रेट करो बाद में अगर कुछ बचा है तो बाद में लिखो तो क्या है पार्टिकल अभी ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल का ऑसिलेशन चल रहा है तो कहां पे कहां पे पार्टिकल का एनर्जी हाफ पोटेंशियल है और हाफ काइनेटिक है कहां पे तो एक जगह पर एट वन प्लेस एट वन प्लेस पोटेंशियल एनर्जी आधा है काइनेटिक एनर्जी आधा है ठीक है ओके okay. तो चलो तो हाफ हाफ का मतलब क्या है हाफ हाफ का मतलब क्या है जो भी टोटल एनर्जी है हाफ हाफ का मतलब क्या है जो भी टोटल एनर्जी है पार्टिकल का उसका हाफ काइनेटिक में है काइनेटिक पार्ट में है उसका हाफ क्या है पोटेंशियल पार्ट में उसका हाफ काइनेटिक में है तो हाफ एनर्जी इन काइनेटिक फॉर्म एंड हाफ एनर्जी इन पोटेंशियल फॉर्म आधा आधा है मतलब दोनों इक्वल इक्वल है अर्धा अर्धे एनर्जी डिवाइडियल अर्धी एनर्जी काइनेटिक मे अर्धी 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 असणार तो बोथ एनर्जी आर सेम बोथ एनर्जीज आर सेम एट एक्स तो x पॉइंट पे हाफ एनर्जी काइनेटिक है हाफ पोटेंशियल है मतलब इसका भी आधा ये भी आधा है दोनों मतलब दोनों इक्वल भी है इसका ही मतलब दोनों इक्वल भी है ओके तो काइनेटिक कितना है बोला काइनेटिक सब फॉर्मूला का काइनेटिक कितना है तो काइनेटिक कितना है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वेर माइनस एक्स तो इतना काइनेटिक है और जितना काइनेटिक है उतना ही पोटेंशियल है जितना काइनेटिक है उतना ही पोटेंशियल है आधा आधा है मतलब इक्वल इक्वल है उतना ही पोटेंशियल है तो पोटेंशियल कितना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इसको सॉल्व करने के बाद एक्स आता है इसको सॉल्व करने के बाद एक्स आता है ठीक है चलो लेक्चर बंद हो गया तो वापस एक बार ज्वाइन करो तब तक मैं सॉल्व करता हूं बीच में शायद बंद हो सकता है तो हाफ को हाफ कैंसल हो गया मास को मास गया ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर गया तो बचा क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया, तो ये प्लस एंड ये प्लस तो टू एक्स स्क्वायर